नाजिया कहते शाम नहीं आया, बहुत देर हो गई। भाई साहब उसके दफ्तर में आज एक मीटिंग थी, बता के गया था कि देर से आएगा। अबू जी खाना लग गया है, आ जाएं। जी बेटा आते। चाची आप भी आ जाएं। नहीं बेटा एहतिशाम आ जाए, मैं उसी के साथ खाना खाऊंगी। और भाभी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? अम्मी किसी से फोन पे बात कर रही थी। अच्छा बेगम, आज टेम्परेचर कुछ हाई है, वजह जान सकते हैं? भाभी सब खैर है? आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं मुझे। एक परेशानी हो तो बताओ ना, जिन्होंने आशा को देखने के लिए आना था उनका फोन आ गया। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो फौरन हाँ कर दी होगी आप ही के लिए। जवेरिया हर बात में टांगड़ाना जरूरी नहीं है। अगर बेगम बताएं तो सही, हुआ क्या है? अरे होना क्या था, जिस बात का डर था वही हुआ। उन्होंने आयशा के बजाय जवेरिया को पसंद कर लिया। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है मेहमानों के सामने चाय लेके मत आया करो, और खास तौर पर जब आयशा के रिश्ते के लिए लोग आए हुए हो। खबरदार जो आइंदा तुम उनके सामने आई तो। अम्मी लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि चाय और नाश्ता लेकर आओ। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अब्बू जी मैं ठीक है बेटा, आइंदा नहीं लेके आना चाय, जाओ। आपने क्यों डांटा उसे? तो क्या करूं, तुम मेरी बात मानती हो? कैसे होगा तुम्हारा रिश्ता, कौन इसे पसंद करेगा? हो जाएगा बेगम, क्यों फिक्र करती हो? मेरी बेटियां को मुझ पे बोझ थोड़ी है। भाभी अल्लाह पे भरोसा रखे, इंशाल्लाह आयशा के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता आएगा, आप परेशान ना हो। ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, कहीं जा रही हो? वो मेरी फ्रेंड है ना, उसकी बर्थडे है, उसी के लिए गिफ्ट लेने जा रही थी। मैं ले चलूं? रियली आप मुझे ले जाएंगे? ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जान छूटेगी सड़कों के धक्कों से। ठीक है मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, आ जाओ। ठीक है अम्मी को बताकर आती हूँ बस। लिख लिया था ना? अम्मी अम्मी मैं जा रही हूँ।
रख ही लिया होगा। शाम बेटा अपने कपड़े निकाल देना ड्राई क्लीन के लिए, सुबह मुझे भिजवाने हैं। जी ठीक है अम्मी। ठीक है अम्मी जी। कभी मेरे पास भी बैठ जाया करे, हर वक्त कामों में मसरूफ रहती है। बेटा घर के काम भी तो करने हैं, और तुम्हारे काम मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आप इधर बैठे तो सही। हाँ जी, घर के काम बहुत होते हैं ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी मदद के लिए बहू लें। तभी मैं कहूँ आज मेरे बेटे को मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा। वैसे बेटा मैं भी यही सोच रही थी, तुम्हारी अब इतनी अच्छी नौकरी है, तुम्हारे लिए एक लड़की देखनी चाहिए। वैसे भी अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो ढूंढते हैं फिर तुम्हारे लिए कोई चांद सी बहू। अम्मी ढूंढने की क्या जरूरत है, घर में है ना चांद सी बहू। घर में तो आयशा और शवेरिया हैं। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? अम्मी आप इशारा समझ जाए ना। इत्तेशाम बेटा तुमने ये फैसला सोच समझ के किया ना, मेरा मतलब है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें सोच समझ के फैसला किया। अरे आयशा बेटा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? चाची ये मेरे स्कार्फ्स हैं, अम्मी के कमरे में रखे थे इसलिए अपने कमरे में लेके जा रही थी। वो यास्मीन आंटी नहीं है? हाँ उन्होंने दिए थे मुझे। अच्छा चलो जाओ। तो अस्वत, अस्वत तुमने तो मुझे बताया था कि ये रिजाइन कर गई है, ये तो यही है जॉब कर रही है। तो मेरे रूम में बैठो, मैं भी आता हूं। हेलो जी कुरैशी सर। जी जी सर मैं भी आती हूँ। ओके ओके सर। क्या कर रही हो यहाँ पर और किसकी इजाजत से?
मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बेहतर होगा कि आप शकील से इसे पूछ लीजिए, मैं आपको किसी भी जवाब देने के लिए पाबंद नहीं। भाभी, किन सोचों में गुम हैं आप? नाजिया, मैं सोच रही हूँ आयशा का वो ढंग का रिश्ता ही नहीं आ रहा है। अल्लाह ना करे अगर उसकी उम्र गुजर गई तो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मुझे कोई जवाब भी नहीं दे रही हो नाजिया। अरे भाभी, आप बस ये जान लें आपकी परेशानी खत्म हो गई। क्या मतलब? क्या तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता है नाजिया? जी बिल्कुल है, बल्कि लड़के ने खुद पसंद किया आयशा को। अच्छा, कौन है वो? क्या हम उसे जानते? जी जी, आपके देखे वाले लोग हैं, बल्कि लड़के को और उसकी फैमिली को तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। उफ़ नाजिया, तुम क्या पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ बताओ ना, कौन है वो? अच्छा, साफ साफ बात ये है कि मैं अपने एहतिशाम के लिए आपसे आयशा का हाथ मांग रही हूँ। सच नाजिया? जी भाभी, बिल्कुल सच। एहतिशाम पसंद करता है आयशा को, मुझे भी बहुत हैरत हुई थी, मगर उसे आपकी परेशानी का एहसास है। बस अब आप आसिफ भाई से बात कीजिए और मुझे बताइए। अरे, एहतिशाम तो हमारा घर का बच्चा है, देखा वाला, और वो मेरी आयशा को बहुत खुश रखेगा। आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक, मैं बहुत खुश हूं। अब परेशान नहीं होना। अच्छा चलो, जल्दी से सब्जी बना के चढ़ा दे। मैंने बाबा को समझाया भी था, मगर नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आता कि उनको उससे इतनी हमदर्दी क्यों है। अरे, अपने ही बेटे के अगेंस्ट जाकर उसे दोबारा से जॉब पर रख लिया। अच्छा अनासवत, अब रिलैक्स करो। हजारों वर्कर्स तुम्हारी कंपनी में काम करते हैं, एक वो कर लेगी तो क्या हो जाएगा? बस इतना नहीं सोचो उसके बारे में। अनुष, आज तक किसी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की, पर वो, उससे मैं बात कर रहा था तो उसने मुझसे इतनी बदतमीजी की, जैसे जैसे मैं उसका बॉस नहीं हूँ, वो मेरी बॉस है। क्या उसने बदतमीजी की तुम्हारे साथ? हाँ, वो कहा नहीं था, लेकिन जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही थी। अच्छा ना, जब उसने कुछ कहा नहीं तो लीव इट, अगर कुछ कहेगी तो तुम एक्शन ले लेना उसके खिलाफ। तुम्हें पता है मेरी दोस्तें मेरा वेट कर रही हैं, चलो अब मेरे साथ, हम लेट हो रहे हैं। अनुषा प्लीज, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, मेरा मूड इस वक्त बहुत खराब है। क्या ये क्या बात हुई? अगर मुझे ड्राइवर के साथ ही जाना था तो मैं सुबह सुबह उठकर तुम्हारे साथ नहीं आती। अब तुम ही मेरे साथ चलोगे, चलो अब जल्दी। अनुषा, तुम इतनी जिद क्यों करती हो? तुम्हारे साथ जिद नहीं करूंगी तो और किसके साथ करूंगी? चलो अब आ जाओ ना यार, जल्दी करो। चलो जल्दी आओ। मम्मी, मैंने आपसे कह दिया है मैं किसी भी एक्स वाई जेड लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो फिर किससे शादी करोगे तुम? वो लड़की रानिया है। अपने दिल से रानिया का ख्याल निकाल दो। जिस्म से जान तो निकल सकती है अम्मी, लेकिन मेरे दिल से रानिया कभी नहीं जाएगी। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं, जिसे चाहा उसे हासिल करके भी ना पा सकी। तुम ना
थोड़ा अपना ऑफिस संभालो और हमजा को फ्री कर दो और उसे अपना घर संभालने दो। सर एक मिनट। थैंक यू सर। थैंक यू आयश। तुम्हारे यहाँ आने से मेरा कीमती वक्त बच गया। जाहिर है तुम्हें परेशानी तो उठानी पड़ी होगी और तुम घर भी देर से पहुंचोगे। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी आपका घर ऑफिस और मेरे घर के रास्ते में ही आता है, मुझे कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छी बात है। अब मैं निकल रहा हूँ एक मीटिंग के लिए। हाँ तुम एक काम करना, यास्मीन से मिलकर जाओ, वो तुम्हें बहुत याद करती है। जी सर। कोई बात हो तो मुझे फोन कर दे। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम अबू जी। जी अबू जी, जरा सी देर हो जाएगी। वो शकील सर की तरफ आई थी, कुछ पेपर्स पे साइन करवाना था। ठीक है, और अबू वो अम्मी को बता दीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। सानिया, मैं सोच रही थी कि सबको बुला लेते हैं। इतने अरसे बाद तुम्हारा भाई आ रहा है, इस बहाने सबकी दावत हो जाएगी। मैंने तो पहले से ही सोच लिया था कि सारे इंतजाम आप करें। आपको तो पता है मैं नहीं काम संभाल सकती ज्यादा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं सब कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। शकील बता रहे थे कि आज तुम आ रही हो। मैंने शकील से कहा था कि आयशा को जाने मत दीजिएगा, आज मैं आयशा से जरूर मिलूंगी। सर बता रहे थे, आपकी मोहब्बत है। बेटा तुम हो ही इतनी प्यारी कि कोई एक बार तुमसे मिलता होगा तो बार बार उसका तुमसे मिलने को दिल चाहता होगा। सानिया सुरैया से कहो चाय बनाए। मैं कह देती हूँ। आओ बेटा बैठते हैं। देर हो गई, घर जाना होगा। अब्बू की कॉल भी आई थी, पर पक्का नेक्स्ट टाइम आऊंगी, आपके साथ बैठूंगी भी और चाय भी पीऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसे आयशा की मर्जी। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज। अच्छा बेटे, ख्याल से जाओ। आप भी ख्याल रखिएगा। जी दीर, बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। आंटी कैसे क्या हो गया? हो गया। आराम आराम से अपनी कोशिश करे। थोड़ा सा आराम से भाभी, आराम से ऐसे बहुत दर्द। फिर आहिस्ता आहिस्ता पैर ऊपर रखे। सानिया पाँव उठाया नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। आप जरा थोड़ा हेल्प कर दोगे प्लीज? अभी घर पे कोई है ही नहीं, मैं आपको अस्पताल ले जाती। क्या हुआ मामा? ताईजान, ताईजान आप ठीक हैं? मुझे चीखने की आवाज आई थी। भाभी का सीढ़ियों पे पैर मुड़ गया है, मुझे तो लग रहा है मोच आ गई है। बेटा जल्दी से जाओ, मेरी बेड साइड टेबल पे जेल पड़ी है और बैंडेज पड़ा है, वो दोनों ले आओ। जी मामा अभी ला रही हूँ। जाओ भाग के। बहुत दर्द हो रहा है। बस मैं ना वो मेडिसिन भी आपको देती हूँ। पता ही नहीं चला कैसे पांव उड़ गया, मैं तो बिल्कुल ठीक जा रही थी। अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। तो क्यों छोड़ने गए मुझे बाहर आप? जल्दी जल्दी जल्दी। ये ले मामा, ये ले।
बेटा तुम्हें तो पता है डॉक्टर ने मुझे मना किया झुकने से, आप ही लगा दो। मैं मामा मैं कैसे लगाऊं? आप तो जानती हैं ना कि मुझे ये सब कुछ नहीं आता। जल्दी से सुरैया को बुलाओ, वो लगा देगी। रुको, मुझे तो मैं लगाती। तो आयशा बेटा, शिव जेल तुम लगाओगी, सुरैया आती लगा देती। इसमें क्या मसला है? नहीं बेटा, मसला तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे घर मेहमान आए हैं। तो अगर अभी ये चोट मेरी अम्मी को लगी होती तो क्या मैं उनको तेल लगा के मालिश नहीं करती? हाँ, आप भी तो मेरी अम्मी जैसी हैं। बेशक माँ जैसी हूँ, लेकिन इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा, मेहमान हो तो। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, और वैसे भी दूसरों के काम आना हमारे नबी पाक की सुन्नत है। ये तो मेरी खुश नसीबी हुई ना। जीती रहो। सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है। राम से बहुत दर्द हो रहा है बेटा। मानो क्वेश्चन यहाँ लिखी है ना। ओके। मेरा बच्चा राइटिंग तो सही से कर रहे हैं, दिखने में भी अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, सही से लिखिए। ओके। ये सही है? वेरी गुड, लिखिए आगे। ए मानो ये क्या है? हमारे नबी पाक के साथ पूरा लिखिए सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। बट मिस तो बस स्वाद डालती है। ठीक है, लेकिन आप पूरा लिखिए सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ओके। अरे भाभी क्या कर रही हैं आप, लाए मैं आपकी हेल्प करवा दूं। अरे सब्जी काटती हूँ, तुम्हें तो पता है तुम्हारे भाई को मिक्स सब्जी कितनी पसंद है। हाँ, भाई साहब को बहुत पसंद है मिक्स सब्जियाँ, और एहतशाम को उतनी ही बुरी लगती है। अरे घर में सब्जियाँ सभी बच्चों को बहुत बुरी लगती है, सिवाय मेरी आयशा के। मेरी बेटी सब कुछ खा लेती है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने में ऐब ही निकालती थी। उनके सामने जो चीज रखी जाती थी वो सब्र शुक्र के साथ खा लेते थे, कभी खाने को बुरा नहीं कहते थे। आयशा बेटा, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर ये लोग कहाँ समझते। गाजिया मुझे याद आया, तुम्हें मुबारकबाद देना ही भूल गई, तुम्हारी बहन ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है। जी जी भाभी, वो साजदा खाला है ना, उनकी बड़ी बेटी है, उसके साथ किया है रिश्ता। साजदा खाला? अच्छा अच्छा, वो जिनकी बेटी का नाम सबा। जी जी भाभी, सबा। अच्छा, मैंने तो सुना था कि वो बहुत अच्छी लड़की है। मेरी सबा से एक बार बात हुई थी, बहुत अच्छी है वो। नाजिया तुम जाके आटा गूंद लो, मैं सब्जी अभी काट रही हूँ। ठीक है, मैं हमारे भाई का आने का टाइम हो रहा है। जी जी, मैं आटा गूंद। बेटा तुमने मुझे नाजिया को बताना क्यों नहीं दिया कि उस लड़की की 3 बार मंगनी टूट चुकी है? नहीं, इसमें उस बिचारी की क्या गलती है? आपको बताने की क्या जरूरत है? बल्कि आपको तो पर्दापोशी करनी चाहिए उस बिचारी की। अल्लाह कहता है कि तुम किसी के राज में पर्दा रखोगे, मैं तुम्हारे राज में पर्दा रखूंगा। मैं बस दुआ करती हूँ कि खैर से उसकी शादी हो जाए और हमेशा खुश रहे अपनी जिंदगी में वो। ठीक कह रही हो बेटा, भला मुझे क्या फायदा होगा, अच्छा है ना उस बेचारी का घर बच जाए। अल्लाह मुझे माफ करे बेटा। आयशा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह मुझे माफ करे। आमीन।
यास्मीन, मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक बार अपने पांव का एक्सरे करवा लो। शकील साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक्सरे की नहीं जरूरत, काफी आराम आ गया है पांव, कल तक और आ जाएगा। पापा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खाने के बाद मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। बस असद बेटा, तुमने बिरयानी तो ली नहीं है, मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाई है। हाँ ट्राई करो, बहुत मजे की बिरयानी है। पता है मेरी मामा सबसे बेस्ट खाना बनाती हैं। अल्लाह भला करे आयशा का, बहुत प्यारी बच्ची है शकील। उसने अपने हाथों से मेरे पांव पर जल लगाया, गर्म पट्टी बांधी, उसकी वजह से मुझे बहुत सुकून मिला। उसका मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, वो जिस तरह से मेरे लिए परेशान हो रही थी, मेरा ख्याल रख रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था मेरी सगी बेटी है। उसे देख देख कर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा वो अक्स है। मामा प्लीज, आप अपने आप को उससे कंपेयर कर रही हैं, अपने आप को देखें आप और उसका स्टेटस देखें। बेटे ये स्टेटस क्या होता है? एक तो आजकल की नई जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया, हर किसी को स्टेटस के आईने में देखती है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। बेटा लड़की बहुत अच्छी, बहुत समझदार और हमदर्द है। रहने दे ताईजान, आप नहीं जानती ऐसी लड़कियों को, बहुत चालाक होती हैं। आपको क्या लगता है वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? वो ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि उसे ऑफिस में अच्छा फायदा हो, इसीलिए वो सब चौंचले कर रही थी। सही कह रही है अनुषे, आप बहुत भोली और मासूम है, हर कोई आपकी तरह नहीं होता। सानिया, किसी के लिए इस तरह बदगुमानी पाना अच्छी बात नहीं है। किसी की नियत में क्या है क्या नहीं हम क्या जाने, हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? ये तो अल्लाह के काम है, उसे पे छोड़ देते हैं। बिरयानी बहुत अच्छी बनाई है तुमने अनुषा। अनुषा